ग्रोथ एंड बर्थिंग अ न्यू एज। ग्रोथ कार्ड पर लिखा है आई वॉन्ट टू एक्सपांड माई कॉन्शियसनेस एंड अवेयरनेस। याद रखिए कि ट्विन कनेक्शन हो या कोई भी लाइफ में कोई भी रिलेशन जो आपको दिया जाता है, चाहे वो कार्मिक रिलेशन हो या सोलमेट रिलेशन हो, अल्टीमेट किसी भी रिलेशन का जो एम होता है वो आपके सोल की ग्रोथ करना होता है, वो आपके कॉन्शियसनेस के एक्सपांशन के लिए, वो आपके अवेयरनेस की बढ़ाने के लिए। इन रिश्तों को इसी तरीके से लीजिए कि ये आपकी ग्रोथ के लिए है, कि ये आपके विकास के लिए है। इनके साथ बहुत अटैचमेंट करने से कोई मतलब नहीं है। ये रिश्ते इस जन्म के लिए दिए गए हैं, अगले जन्म कौन कहां है, कौन कहां, हु नोज। तो हर एक रिलेशन को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखने की कोशिश कीजिए। क्या इस रिलेशनशिप से मेरी ग्रोथ हो रही है? क्या इस रिलेशनशिप से मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है? क्या ये रिलेशनशिप मेरी कॉन्शियसनेस बढ़ाने में, मेरी अवेयरनेस बढ़ाने में मेरी मदद कर रहा है या मेरा बाधा बन रहा है? कोई रिलेशनशिप आपकी ग्रोथ में सहयोग कर रहा है या वो रिलेशनशिप आपका ऑब्स्टेकल बन रहा है? इतना आपको कॉमन सेंस रखने की जरूरत है। यदि कोई रिलेशनशिप में आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही या फिर कोई रिलेशनशिप ग्रो ही नहीं कर रहा, सालों से एक ही जगह अटका पड़ा हुआ है, तो ऐसे रिलेशनशिप को लेट गो करने में आपको क्यों परेशानी होनी चाहिए? कंफ्यूजन की इसमें जरूरत क्या है? क्लैरिटी लाइए कि क्या मुझे इससे ग्रोथ मिल रही है तो मैं इस रिलेशनशिप में अटक के रहूं, क्या इस रिलेशनशिप में आगे ग्रोथ होने की कोई संभावना है तो मैं इसमें अटक के रहूं। और अगर आपको ऐसा लगता है, क्लैरिटी मिल जाती है, ये रिलेशनशिप फ्यूचर में कहीं नहीं जाने वाला या इस रिलेशनशिप ने मुझे सिर्फ बर्बाद ही किया है, ये रिलेशनशिप मुझे कुछ अच्छा नहीं दे सकता, तो फिर उसको रखे रखने से कोई फायदा नहीं। इसको लेट गो कीजिए पूरे फोकस के साथ। ऐसा आपके लिए यहां पर मैसेज निकल के आ रहा है। और खास तौर से जो ट्विन रिलेशन होता है, ये तो दिया ही आपको आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए दिया जाता है, ये कोई यूनियन के लिए नहीं दिया जाता, ये कोई रोमांस के लिए नहीं दिया जाता। आप अगर ट्विन है और आपको पता है कि आप ट्विन कनेक्शन में, तो आपको ये भी क्लियर कट पता होना चाहिए कि इस ट्विन को मैनिफेस्ट करना या इस ट्विन को बनाए रखना इज नॉट द पर्पज ऑफ माई लाइफ। द पर्पज ऑफ दिस ट्विन कनेक्शन, द पर्पज ऑफ दिस रिलेशन इज द माई सोल ग्रोथ, माई पर्सनल ग्रोथ। ओके, मेरी अवेयरनेस बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, मेरा स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, मेरी अवेकनिंग हो रही कि नहीं हो रही। आपको सिर्फ इस बात पर ध्यान रखना है कि इस कनेक्शन का पर्पस क्या है और आप उसी पर्पस की दिशा में बढ़िए, तो आपके लिए ट्विन को लेट गो करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और अवेयरनेस में, कॉन्शियसनेस में जीने के लिए माइंडफुल मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल नॉलेज को बढ़ाइए, वाइब्रेशंस को रेज करने का काम कीजिए, सेल्फ लव की प्रैक्टिस कीजिए। तब क्या होगा? तब आपकी ग्रोथ होगी, तब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ेगी, आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी। और जिस भी व्यक्ति की कॉन्शियसनेस हाई होती है, जिसकी अवेयरनेस हाई होती है, वो कभी भी किसी भी तरह के खराब रिलेशन में अपने आप को फंसा हुआ रख ही नहीं सकता। वो डिटैच ही होता है, वो अटैच हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जो व्यक्ति कॉन्शियस है, जो व्यक्ति अवेयर है, वो कभी भी किसी भी अनवांटेड रिलेशन को लेट गो करने में देर नहीं लगा सकता। इसलिए अगर आपको लेट गो करने में परेशानी हो रही, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि आपकी कॉन्शियसनेस अभी तक ग्रो नहीं हुई है, अभी तक आपकी अवेयरनेस ग्रो नहीं हुई है। वर्क ऑन दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ, वर्क ऑन दैट पार्ट ऑफ योर सोल, तो ऑटोमेटिकली लेट गो हो जाएगा। इनडायरेक्टली काम कीजिए, मतलब काम आपको एक दिशा में करना है और रिजल्ट आपको दूसरी दिशा में दिखेगा। लेट गो करने के लिए खुद की ग्रोथ कीजिए, ट्विन अपने आप से लेट गो हो जाएगा। ऐसा आपके लिए मैसेज यहां पर आ रहा है। और एक्चुअली जब जो व्यक्ति खुद की ग्रोथ पर कंसंट्रेटेड होता है, जो खुद के सेल्फ डेवलपमेंट पर लगा हुआ है, उसको अपनी प्रॉब्लम से सुलझाने का टाइम नहीं है, उसको अपने लिए पूरा समय नहीं मिल पा रहा, तो उसको क्या फर्क पड़ता है कि कोई ट्विन उसकी लाइफ में है या नहीं है। जो व्यक्ति अपनी ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहा होता ना, वही दूसरों पर ध्यान देता है। और सच बात यह है कि जब तक आपका ध्यान दूसरों पर लगा रहेगा, तब तक आपकी ग्रोथ हो भी नहीं पाएगी। ये दोनों ही बातें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। जब तक आपका ध्यान बाहरी दिशा पर रहेगा, तब तक सेल्फ ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और जो आप सेल्फ ग्रोथ करने लगे, तो बाहर के लोगों पर आपका ध्यान जाना ही बंद हो जाएगा। दोनों में से कोई भी एक काम करेंगे तो आप ट्विन को आराम से लेट गो कर पाएंगे। ओके, और इसके बाद जो नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है, बर्थिंग अ न्यू एज। पहले तो आप अपनी ग्रोथ कीजिए। आप एक ट्विन कनेक्शन में है ना, तो आप पहले अपनी अवेयरनेस बढ़ाइए, अपनी कॉन्शियसनेस रेज कीजिए, और उसके बाद आप दुनिया के लिए हेल्पफुल बनिए। क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस है खुद की ग्रोथ करना और बर्थिंग अ न्यू प्लेस, दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना, इस प्लैनेट की वाइब्रेशंस को रेज करना, इस प्लैनेट पर रहने वाले लोअर वाइब्रेशनल लोगों को अपनी हायर वाइब्रेशन से फायदा पहुंचाना। ये है आपका ट्रू पर्पस, ना कि यूनियन को पाना आपका पर्पस है। यदि आप समय बर्बाद कर रहे हैं, ट्रेन को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्चुअल में आप अपने मार्ग से भटक रहे हैं, आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। आप इस दुनिया में कुछ बेहतरीन करने के लिए आए हैं। इस दुनिया के अंदर आप पायोनियर्स हैं, बहुत सारी चीजों के पायोनियर्स हैं आप।
नए नए बिलीफ सिस्टम्स को बनाने वाले, नए और हायर वाइब्रेशनल सिस्टम्स को, अवेयरनेस को लाने वाले। इतना बड़ा जिम्मेदारी है आपके ऊपर, इतना बड़ा काम है आपके लिए, पुरानी चीजों को खत्म करके नई चीजों को एस्टेब्लिश करना, लोअर फ्रीक्वेंसी एनर्जीज, लोअर फियर बेस्ड एनर्जी को लव बेस्ड एनर्जी में कन्वर्ट करना। इतना बड़ा आपको काम देके भेजा गया है, इतने बड़े सिस्टम के आप बहुत इंपॉर्टेंट पुर्जे हैं आप। तो आपको अपने अपना ट्विन उद्देश्य जानना है, ट्विन जर्नी का पर्पज आपको जानना है। पिछली वाली रीडिंग देखिए, आपको अपनी इकिगाई पहचाननी है, आपको अपना पैशन पहचानना है। और जब आप अपने इकिगाई पर काम कर रहे होंगे, अपने पैशन पर काम कर रहे होंगे, अपने मिशन वर्क पर काम कर रहे होंगे, अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रहे होंगे, तो ट्विन को लेट गो करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी। उसके बाद में अपने आप को रेस कीजिए, अपनी पावर को रेस कीजिए, अपने मिशन वर्क के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। और दुनिया को या ट्विन को बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपनी ग्रोथ कीजिए, अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, अपनी वाइब्रेशन बदल लीजिए, तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आप अगर बेहतरीन इंसान हैं तो दुनिया ऑटोमेटिकली बेहतरीन बनती जाएगी। ओके, आज से कुछ साल पहले मेरी जिंदगी में इतनी निराशा आ चुकी थी कि लगता था कि कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं सोचती थी कि क्या करूं कि सफलता पा सकूं, खुशियां पा सकूं, और मैं बहुत भटकती रही वो आनंद का मार्ग पाने के लिए। और आखिरकार बहुत भटकने के बाद एक उम्मीद मिली, एक तरीका मिला, एक ऐसा तरीका जिससे मैंने अगले 2 ही सालों में वो सब हासिल कर लिया जो कि पाना कभी मेरा सपना था। उन तरीकों को अपना कर अपने लिए तो मैंने जिंदगी को अच्छा बनाया ही, बल्कि उन्हीं तरीकों को यूज करके मैंने बनाया माइंडफुल जर्नीज, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स एंड मास्टर मैनिफेस्टेशन कोर्स। यकीन मानिए, ये कोर्स आपको इंटरनेट पर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसमें दी गई टेक्निक्स आपके सपनों को सच करने में 100% इफेक्टिव है। क्या आप भी मेरे लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेकर सफल और खुश होना चाहते हैं? तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी व्हाट्सएप कीजिए और कोर्स की डिटेल जानकारी लीजिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हैं, या आप कितने दुखी हैं, उदास हैं, असफल हैं और निराश हैं। बस एक डिसीजन लीजिए, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलिए और पूरे विश्वास के साथ ज्वाइन कीजिए ये कोर्स। मेरा बनाया हुआ ये हीलिंग कोर्स सिर्फ एक कोर्स नहीं है, बल्कि आशा की सुनहरी किरण है जो आपके जीवन के अंधेरों को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इस कोर्स को इस समय यूनिवर्स आपके सामने लाया है क्योंकि आप भी ये जानते हैं कि आप इस गुमनाम जिंदगी को जीने के लिए नहीं बने हैं। आप एक बेहतरीन लाइफ के हकदार हैं क्योंकि आपकी प्रार्थना अब स्वीकार हो चुकी है और ये कोर्स उसी प्रार्थना का नतीजा है। ये कोर्स एक डिवाइन हीलिंग गाइडेंस है आपके लिए। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब भक्ति की एंजल है, ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स से साथ एक बार जुड़िए। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करते हैं, करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए, मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ। बिकॉज कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को। लाइफ में एक मेंटर होना बहुत जरूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। नमस्ते, खमा गनीसा। डॉक्टर कुंजन विश्वकर्मा ने आपकी ही यूट्यूब पर जब मैं आई थी तब मुझे उसने एक ब्रेसलेट दिया था, तो मैंने ये कुंजन का जो चक्रा हीलिंग का, 7 चक्रा हीलिंग का जो ब्रेसलेट था, मैंने उसको वियर कर रखा था। थैंक यू अगेन गुंजन, तहे दिल से शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे उस वक्त अच्छे से गाइड किया। मत सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को।